गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम वेलकम वन एंड ऑल, एक और मजेदार एपिसोड मिंगल की तरफ से। आज हम देखेंगे ये एन्चैंटमेंट्स नाम की चीज, ये चिड़िया क्या है, व्हाट इज दिस ब्यूटी कॉलिंग ऑफ एन्चैंटमेंट्स। एन्चैंटमेंट्स आपको बता दूं सब, बस बहुत हो गया, इंट्रो लगाओ, उसके बाद भाई ने बोला करने का तो करने का। Enchantments, these are called enchantments. तो यहाँ पे हम अभी basically सारे enchantments को एक एक करके देखेंगे, हर different role के लिए कौन सी enchantment लगती है, वो सारा enchantment का guide देंगे। आपको बता दे, enchantment वेदा, enchantments चार types के होते हैं, चार, ठीक है। सबसे पहले इसमें दिखता है ये आफ्ता, यहाँ लिखा हुआ है आफ्ता। दूसरा है वेदा, सैंक्टम ऑफ लाइट। तीसरा है लोकाइन, विच इज योर रेड कलर एन्चैंटमेंट। और ये तीसरा वाला, चौथा वाला है एनिग्मा, ठीक है। और ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज मेंट फॉर डिफरेंट रोल एंड डिफरेंट रीजनिंग। द थिंग अबाउट एन्चैंटमेंट इज यू कैन मिक्स एंड मैच ऑल काइंड ऑफ एन्चैंटमेंट्स टुगेदर। यू हैव थ्री स्लॉट्स, दिस इज टेक्निकली, दिस बॉर्डर इज योर मेन स्लॉट। ये जो चार का दीवारी है वो सबसे पहला है पहला स्लॉट, ये आपका दूसरा स्लॉट और ये आपका तीसरा स्लॉट। आप तीन स्लॉट के अंदर कोई भी एन्चैंटमेंट फिट कर सकते हैं, तो आपका ये एंड प्रोडक्ट जो होता है वेदा, जैसे वेदा हो और हर एक हीरो एक लाइट के साथ एसोसिएट होती है। तो वेदा का जो है ये येलो कलर का होता है, आफ्ता का जो है वो सारे मेजरली सपोर्ट या टैंक रोल के लिए होता है, लाइट ऑफ हीलिंग। लोकाइम जो होता है वो वॉरियर या असैसिन के लिए यूज होता है, और क्रिएटिव स्ट्रेटजी मतलब एनिग्मा जो है वो बेसिकली एनिग्मा जो है वो एक्स्ट्रा अलग चीजों के लिए यूज होता है, जो आपको इन तीन रोल के अलावा यूज। हम लोग हर एक एन्चैंटमेंट के बारे में सीखेंगे आज। मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा टाइटन चेंज करता हूँ, तो टाइटन के हिसाब से हमें एन्चैंटमेंट डालने पड़ते हैं। तो सबसे पहला एन्चैंटमेंट हम डालेंगे, चलो किस पे नहीं सूट किया मैंने, किस पे नहीं डाला, चलो जैसे अब जैनिस जो चीज़ है वो एक वॉरियर असैसिन, तो अब उसको सीखेंगे कैसे कि वो क्या चीज़ है। फटाफट टाइटन में जाते हैं, और इफ वी गो टू द एन्चैंटमेंट ऑफ जैनिस नीड्स अ वॉरियर बिल्ड। सो नाउ व्हेन यू हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू, सिंस ही इज बिल्डिंग, यू आर बिल्डिंग अ वॉरियर, यू विल गो टू Definitely the first item you'll go to is low time. Suppose अगर आपने गलत enchantment बिल्कुल डाल दी यहाँ पर, और फिर you have to click on आपका new equip, ऐसे होता है, ठीक है। तो आप basically क्या करोगे, आप red पे जाओगे, equip करोगे, equip हो गया low time। अब what is the these things? तो ये जो enchantment का scene है वो पहले आपको main enchantment click करना होता है, जब आपने use कर लिया तो आपको फिर सेकंड पड़ाव मिलता है। सेकंड पड़ाव में हमें जनरली, मैं जैनिस पे मूवमेंट डैमेज डालना प्रिफर करूंगा, क्योंकि वो मूवमेंट का उसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ईच यूज ऑफ मूवमेंट एंड चार्ज स्किल ग्रांट्स अ स्टैक ऑफ शैडो ब्लेड फॉर 4 seconds, स्टैक अप टू 3 times। द नेक्स्ट नॉर्मल अटैक अगेंस्ट द टाइटन कंज्यूम्स ऑल शैडो ब्लेड अटैक्स डीलिंग एन एडिशनल 30, दैट इज लेवल 5 पर लेवल, 0.5 एक्स्ट्रा एडी एडिशनल डैमेज। एडिशनल पावर था वो अर्लियर, और एडिशनल डैमेज है ये, एडिशनल डैमेज देगा। ये शैडो ब्लेड नाम की कोई चीज डालता है 4 सेकंड के लिए, मतलब जब जैनिस को आप S2 मारोगे वो भागता है ना, वो भागने में उसको शैडो ब्लेड मिलता है, तो वो सबसे पहले डालोगे ये भी काम करेगा, क्योंकि हमारा नॉर्मल अटैक जो है वो अटैक डैमेज करता है, नॉर्मल अटैक पे ये ज्यादा काम आता है। तो हमें अब इफ यू आर प्लेइंग अ सपोर्ट गेम, मतलब आप थोड़ा सा उसको टैंकी बनाना चाहते हो तो आप रेजिस्टेंस में ला लो, और आपको अगर ज्यादा अटैक चाहिए तो आप इसको अटैक डैमेज बूस्ट डाल दो, ठीक है। सो वी विल गो फॉर दैट। अब ये लास्ट एंड फॉरमोस्ट आइटम, जो ये वाला मेन थर्ड आइटम होता है, ये आपका पूरा का पूरा बिल्ड का डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप इसका क्या करना चाहते हैं। तो हम इसके देखेंगे, पढ़ते हैं क्या चीज है ये। व्हेन अल्टीमेट इज यूज्ड, जब अल्टीमेट यूज होगा, कूल डाउन रिड्यूस करता है टाइम बाय, इट रिड्यूसेस कूल डाउन टाइम ऑफ अदर स्किल्स बाय 30%, मतलब आपका जो बाकी का S1 S2 का टाइम है वो रिड्यूस 30% से कर देता है। तो अगर आपका कूल डाउन 8 सेकंड है, तो 8 सेकंड का 30% है वो 7.5 सेकंड या 6.5 सेकंड तक कम कर देगा उसको, आपका जो 7 सेकंड 8 सेकंड का कूल डाउन था।
तो वो लोन मिलता है, आपके एक्स्ट्रा चीजें खुल जाती हैं। तो ये दूसरा जैसे कीरा हो गया, इन ऐसे में जो मेज रिलेटेड हीरोज पे जो कूल डाउन चाहिए होता है आपको, तो 30-50% मतलब आप अल्टी मारो और आपको एक्स्ट्रा कूल डाउन तो 30% कूल डाउन है ही है, प्लस आपको ऊपर से 20% कूल डाउन मिल रहा है, तो टोटल 50% कूल डाउन मिल रहा है आपको ये एन्चेंटमेंट डालने से। ठीक है, इसके अलावा कूल एंड असिस्ट एक्सटेंड FX by 3 seconds, जैसे आपने बटरफ्लाई ले लिया भाई, बटरफ्लाई पे क्या ओपी जुंदा काम करेगी ये, और बटरफ्लाई के ऊपर आपको 30% कूल डाउन भी मिला है आपके अल्टीमेट पे, प्लस आपको ऊपर से 20% एक्स्ट्रा कूल डाउन मिला है अल्टीमेट मारने पे, और उसका ऑलरेडी स्टैकिंग सिस्टम है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है बटरफ्लाई पे, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। एनीवे चलते हैं डैमेज पे। अब सीसी रिडक्शन वाले जो हीरोज होते हैं, जैसे सीसी करने वाले, जिल हो गया, बटरफ्लाई हुआ, एमएलई हो गया, सीसी देने वाले जो, बटरफ्लाई सीसी नहीं देती, बट जो सीसी रिलेटेड वाले हीरोज होते हैं, कंटिन्यू करते हैं, पहले पूरा खत्म कर लेते हैं एक हीरो के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल अटैक्स और स्किल्स हिट दैट एनिमी टाइटन विद इन्फ्लिक्ट नॉर्मल अटैक, अगर आपने नॉर्मल अटैक मारा, जैसे डैनेस का होता है, S1 मार दिया आपने, S2 मार दिया, उसके बाद नॉर्मल अटैक मारते रहते ना, तो नॉर्मल अटैक के जो स्किल्स होते हैं, अगर एनिमी टाइटन को हिट होता है इससे, तो वो 1.5 सेकंड्स के लिए मार्क कर देता है उसको। ठीक है, मार्क करने बाद क्या होगा, एट 3 stacks, मतलब आपने 3 बार उसको मारा, 1, 2, 3 नॉर्मल अटैक मारे ना, तो एनिमी टारगेट इज इन्फ्लिक्टेड विद अ कर्स, कर्स हो जाता है उसको, जैसे मगांगा का पॉइजन होता है ना, वैसे एक कर्स आ जाता है उस पे, जो उसका डील होता है 40 damage। ठीक है, 40 मैजिक डैमेज आता है उसके ऊपर, वो 40 डैमेज वो स्टैक होते रहता है, प्लस 40 प्लस 40, तो 40 प्लस 80 160 120 160, ऐसे लेवल के हिसाब से बढ़ता है। लेवल 1 पे आपको सिर्फ 40 डैमेज होता है, और लेवल 2 पे आपको 80 डैमेज होता है, वैसे आपका डैमेज बढ़ते रहता है, इंक्रीज होते रहता है। और इसके अलावा ही एडिशनल डैमेज, जो एडिशनल डैमेज होता है, नॉर्मल अटैक से एडिशनल डैमेज होता है, वो प्लस 0.25% लेवल के हिसाब से बढ़ते रहता है। उसके अलावा एक एपी, एपी मतलब जो मेज का सीन होता है, वो 0.5% मेज मैजिक डैमेज होता है, एपी तो मैजिक डैमेज देता है टू एनिमीज विद इन 2.5 meter रेडियस, एंड द मैजिक डैमेज इक्वल्स टू 6% ऑफ द टारगेट लॉस एचपी, तो मैजिक डैमेज होता है तो वो बेसिकली 6% एचपी टारगेट लॉस भी कर देता है एनिमीज पे आफ्टर 1 second टू एनिमीज। तो अगर आपने जैसे उसको स्टैक कर दिया, आपने स्टैक मार दिया उसको, आपको पूरा उसको एनिमी को मारने की जरूरत नहीं है, आपने उसका हेल्थ इतना कम कर दिया, वो 6% पे बचा है उसका हेल्थ, ये स्टैक करने के बाद जो डैमेज आपने स्टैक कर दिया ना, तो उसको क्या होगा, वो 6% उसकी हेल्थ ऑटोमेटिकली, अगर भागने की कोशिश भी करेगा तो भी उसको मर जाएगा, तो ये 1 second के बाद वो सेम एरिया पे 1% फॉर एवरी 100 एडिशनल डैमेज और 200 AP, और इसका ये कूलडाउन जो है वो 15 seconds तक चलता है, तो 15 seconds के बाद ये रिचार्ज हो जाता है। तो आपने जैसे अभी गैंक किया किसी एनिमी हीरो पे, आपने गैंक किया, उसको मारा, उसको 6% हेल्थ पे छोड़ दिया और वो भाग गया 6% हेल्थ पे, तो क्या हो जाएगा, वो 6% से बाहर निकल के वो खुद ब खुद मरेगा, बट 15 seconds के बाद ये कूलडाउन फिर से रिस्टार्ट हो सकता है। ठीक है, लेट्स गो टू नॉर्मल। अभी बर्निंग ग्रज विच इज डैमेज, hitting an enemy titan with a normal attack or skill increases movement speed by 2. तो ये movement speed के लिए बनाया हुआ है, ये movement speed के लिए बनाया हुआ है, एक stack, 1 stack per ranged normal or skill attack, 2 stacks per melee or normal or skill attack last for 3 seconds and stacks up 10 times. Okay, ये थोड़ा सा confusing रहेगा, explain करने के लिए कि, but मैं simplify कर देता हूँ आपके लिए। तो ये क्या करता है, ब्रीफ में लिख देते हैं, ठीक है, डैमेज एनिमी टाइटन एड्स अ बफ स्टैक, तो आपको एक बफ मिलता है, इसको डालने से आपको बफ मिलता है, एट 10 stacks, इसके अगर 10 बार आप मारोगे तो 10 stacks पे आप थोड़ा सा एचपी रिकवर करोगे, एंड थोड़ा सा पेनिट्रेशन, आर्मर पेनिट्रेशन मिलता है इससे, वो बताने की कोशिश कर रहा है आपको एग्जैक्टली कितना मिलेगा, तो आप ये पढ़ सकते हैं। और ये आपको दो मूवमेंट्स स्पीड देता है, एक स्टैक पर आपको रेंज्ड पर रेंज नॉर्मल एंड स्किल अटैक, अगर आपके पास रेंज हीरो है तो एक स्टैक पे आपको थोड़ा सा 1 stack पर रेंज्ड नॉर्मल और स्किल अटैक एक स्टैक मिलेगा। 2 stack पे आपको मिलेंगे आपके जो हीरोज होते हैं ना, आपके हीरोज कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं, अब जो जैनिस है वो मेली अटैक हीरो है, तो मेली पे जब वो अटैक करता है तो आपको 2 stack मिलते हैं, जो आपके पास अगर जिल हो गया वो रेंज अटैक करता है दूर से मारता है, तो रेंज पे आपको 1 stack मिलता है। ठीक है, और आपने स्किल मारा है और नॉर्मल अटैक भी मारा है, तो जैसे जिल हो गया आपने 1 stack मारा प्लस नॉर्मल अटैक मारा, तो ये लास्ट मतलब इसका लास्ट होता है 3 seconds के लिए, और ये 10 बार तक स्टैक हो सकता है। ठीक है, तो मतलब आपने उसको फेंका, मारा, नॉर्मल अटैक मारा, तो आपका 1 stack बढ़ा, तो
आपने फेंका मारा नॉर्मल अटैक किया आपका 2 stack हुआ, ऐसे आप 10 stack तक अपलोड कर सकते हो अपने हीरो पे इसको, ठीक है। एट 10 stacks आपको क्या होगा, आप 10 stack जब पहुंच जाओगे इसको डालने के बाद, तो वो क्या करेगा 10% रिस्टोर करेगा आपका HP और आपको 15% फिजिकल पेनिट्रेशन मिलेगा और मैजिकल पेनिट्रेशन भी मिलेगा। तो ये जो है जिल के लिए काफी अच्छा है, बट जिल को आपको खेलना पड़ेगा, स्टैक्स बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, आपको दिक्कत मतलब 10 stack बनवाना इसके लिए, तो जिल को आपको मेंटेन करना रखना पड़ेगा। आप 4v1 या 5v1 फाइट में करोगे तो आपके 10 stacks बढ़ सकते हैं, आप 10 stacks आप सोचो 10 stacks आपको एक साथ मिल सकता है, अगर दो लोग एक साथ मार रहे हो तो आपको डबल, तो वो एक मारा दूसरा को भी लगा तो आपके डबल स्टैक्स लगेंगे, वो 4 stacks बन जाएंगे, वैसे ही 10 stack आ जाएंगे। तो आपको जैसे ही 10 stack आ जाएंगे आप 10% तो रिकवर हेल्थ करोगे, उसके अलावा आप एनिमी का 15% फिजिकल पेनिट्रेशन और मैजिकल पेनिट्रेशन दोनों करोगे, ठीक है। जैनिस पे मुझे लगता है थोड़ा सा हम जाते हैं सीडी पे, उसका कूलडाउन टाइम रिड्यूस करते हैं ताकि हम एकदम फटाफट उसको मार सके और नीचे बाहर निकल सके, दैट इज द आइडिया। तो लोकहाइम इज, अब आपको समझ गए लोकहाइम क्या चीज होती है और लोकहाइम को पहले वाले एन्चेंटमेंट में आप कैसे स्टैक कर सकते हो ये आप सीख गए, ठीक है। अब जाते हैं दूसरे वाले सीन में, दूसरे वाले सीन में मतलब सीन टू के अंदर आप जैनिस के साथ, आप ऑलरेडी जब आपने लोकहाइम स्टैक कर लिया है कोई भी आपके फर्स्ट आइटम में, तो आपके लिए सेकेंड वाले सीन में आपको स्टैक करने के लिए लोकहाइम नहीं मिलेगा। तो आप जान लो कि अगर आपने लोकहाइम स्टैक कर लिया तो आपको सेकेंड वाले सीडी में लोकहाइम नहीं मिलेगा, आपको कुछ और स्टैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जब ऑलरेडी हमने वॉरियर और असैसिन के लिए उसको लोकहाइम बना दिया है मेन स्टैक को, लेट अस गो फॉर अ ऑफ सेंटर। अब जो ऑफ सेंटर है मतलब एनिग्मा, मतलब क्रिएटिव स्ट्रेटजीज, ऑफ सेंटर बोलता हूं मैं इसको थोड़ा सा क्योंकि वो अलग स्टैक है, वो पर्टिकुलरली आपके ग्रोथ के लिए नहीं बनाया है और आपके उसके लिए नहीं बनाया, ये थोड़े से अतरंगी, इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिव स्ट्रेटजीज होती है इसमें, तो हम उसको क्रिएटिव स्ट्रेटजीज के अंदर इक्विप करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज है, अवेयरनेस जो है गेन्स फ्रीज 5 minutes, गेन्स फ्रीज 5 minutes इनटू द मैच, ग्रांट्स इम्यूनिटी टू ऑल। फ्रीज मंजे आपका जो एक आइटम आता था, जो आइटम है चलो मैं इसको इक्विप कर देता हूँ फॉर टाइम बीइंग, सो आई कैन क्लियरली शो यू व्हाट इट मींस, फॉर नाउ आई विल जस्ट सेट इट एंड आई विल सेव हिज पेज, आई विल गो आउट एंड आई विल गो टू द आइटम्स, मैं आइटम में इक्विपमेंट जाके मैं आपको बताता हूँ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं मेज मैजिक में जाऊँगा, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, आर्टिक ऑर्ब फ्रीज आइटम है ना, तो दिस इज व्हाट इट इज, इम्यून टू ऑल इफेक्ट्स फॉर 2 seconds बट कैनॉट मूव। तो ये फ्रीज आइटम आपका काम आता है, सेम वर्क्स लाइक आर्टिक ऑर्ब बट इन अ डिफरेंट स्मॉल डिफरेंट सेंस। ये कैसा है, गेन्स फ्रीज 5 minutes इनटू द मैच, ग्रांट्स इम्यूनिटी टू ऑल डैमेज बट रेंडर्स यू इमोबाइल एंड अनेबल टू अटैक। इट्स वर्क्स सिमिलरली टू आर्टिक ऑर्ब, वेरी 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 सिमिलर टू आर्टिक ऑर्ब, एंड इट एनेबल्स, इट रेंडर्स यू इमोबाइल एंड एनेबल यू अनेबल टू अटैक एंड ग्रांट्स यू अ शील्ड व्हेन इट एंड्स, कैन ओनली बी यूज्ड वंस, ठीक है। तो ये आप यूज अगर गेम के अंदर यूज कर दोगे, आपको एक एक्स्ट्रा ऐसे यहाँ पर लेफ्ट में एक ऑप्शन आ जाएगा जो आपको आर्टिक ऑर्ब का ऑप्शन दिख जाएगा वहां पे, और ये आप एक बार गेम के अंदर इसको फटाफट यूज कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग हैविंग वन एक्स्ट्रा आर्टिक ऑर्ब इन द स्टार्टिंग ऑफ द गेम बाय डिफॉल्ट, एनी टाइम यू वॉन्ट टू यूज इट, जब आपको यूज करना है तब आप यूज कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा आर्टिक ऑर्ब मिलती है आपको इस प्रोसेस में, ये आप 5 मिनट तक यूज कर सकते हो, 5 मिनट के बाद ये चले जाएगा, क्योंकि 5 मिनट के बाद आर्टिक ऑर्ब भी खरीद सकते हो, 5 मिनट के बाद आपके पास इनफ गोल्ड हो जाएगा गेम के अंदर आर्टिक ऑर्ब खरीदने के लिए। तो ये 5 मिनट तक आपके जब तक टावर डैमेज रहता है, तो ये क्या करता है, टावर डैमेज के अंदर स्टार्ट गेम में अगर कभी आप मर रहे हो या कभी आप फाइट ले लिया और कोई आपको डैमेज दे रहा है टावर के अंदर, अपने टावर के अंदर, तो आप फटाफट इसको यूज करो और टावर डैमेज से आप एनिमी को एनिमी आपको मारते रहेगा, वो टावर के अंदर मारते रहेगा डैमेज देते रहेगा, तो ये इसका बेनिफिट होता है। और टावर के अंदर खेल सकते हो आप, क्योंकि टावर डैमेज 5 मिनट के बाद खत्म होता है, ये भी आप सोच लेना 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ये इन लोग के लिए, जैसे जिल उन लोग के लिए काम आ गया, या हो सकता है जैसे पुलिन हो गया, किसी ने जंगल इन्वेड कर दिया तो फटाफट आपने आर्टिक ऑर्ब मार दिया, तो जैसे ग्रैक ने खींच दिया आपको, ग्रैक खींचने आ गया, या मीना खींचने आ गई, या ऑरम आपके ऊपर थोड़ा सा डैमेज ले रही है, तो फटाफट आप आर्टिक ऑर्ब मार लो, आप पनिश मार दो तो आप उसका फटाफट अपना बफ भी ले सकते हो और आपको डैमेज भी नहीं मिलेगा और आप सेफ रहोगे। ये उस सिचुएशन में काम आता है। हम क्या करेंगे, हम जैनिस के ऊपर बनाएंगे 660 HP और 200 माना बाय मिस्टेक, अगर मैंने गलती से फाइट ली, आपको यहाँ देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ है 1 और ये 2 और ये 3, तो ये है पहला आइटम, ये है सेकंड स्टैक और ये थर्ड स्टैक।
वन स्टैक और टू स्टैक इतना जो आपको बता रहा है वो ज्यादा इट डजंट रियली अफेक्ट टू मच इन गेम. इट बेसिकली यस व्हाट इट सेज इट डज बट इट्स नॉट टू हाई लेवल, इट्स नॉट टू मेजर. ठीक है, कमिंग बैक टू दिस थिंग, सो दिस इज स्टैक नंबर वन ऑफ द सेकेंड बिल्ड. ओके, मूविंग ऑन, वील गो टू द सेकेंड बिल्ड ऑफ दिस थिंग. सो यू कैन अगेन चेंज द स्टैक टू वेदा ओवर हियर अगर आपको चाहिए. जैसे आपने ये बना लिया इसका, आप तीनों टाइप लोकाइम के, आप एक लोकाइम ले सकते हो, एक वेदा ले सकते हो, आप एक आफ्टा ले सकते हो, तीनों अलग अलग स्टैक्स बना सकते हो और ये एनिग्मा भी बना सकते हो इफ यू वांट टू चेंज योर दिस थिंग. अगर आपको डैमेज बूस्ट लेना है, अब मैंने यहां पर अगर मार्क्समैन या मेज के लिए ही बना हुआ है, बट कभी कभार ये जैनिस पे भी काम आता है. वेदा इज लाइक अ शूटिंग सिचुएशन. मतलब वेदा क्या होता है, वेदा जो है ना मार्क्समैन के लिए बनाया हुआ है, जो रेंज डीर उसके लिए उनके लिए बनाया हुआ है. और सारे के सारे एथेनोर के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेजरली हीरोज जो है, जो मार्क्समैन है, वो वेदा से ही आए हुए हैं और वो रेंज हीरोज है वो वेदा से ही आए हुए हैं. तो उनके लिए मेजरली वेदा बनाया हुआ है. सैंक्टम ऑफ लाइट मंजे वेदा, ये जो येलो और ऑरेंज, येलोइश ऑरेंजिश कलर का जो है वो इनसे आता है. हम क्या करेंगे, जैनिस को अभी तक इक्विप करेंगे एन्चैंटमेंट. अब यहाँ पर एनिग्मा का एन्चैंटमेंट है, दो है, बाउंटी हंटर है. बाउंटी हंटर के बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं क्या चीज है. किलिंग डिफरेंट टाइटन्स ग्रांट मूवमेंट एबिलिटी एंड एबिलिटी पावर. तो आप बेसिकली जब आप टीम फाइट ले रहे हो, आपके पास काफी हद तक मेजरली आप चार लोग पांच लोग को एक साथ मार रहे हो लेट गेम में, तो ये स्टैक अप होता है 6 बार और ये आपको एक्स्ट्रा मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है आपका. तो अगर आपको जल्दी से भागना जल्दी है, आपने मार लिया, वो लोग ने भी आपका डैमेज, आप भी डैमेज दे रहे हो, तो आपको जल्दी फटाफट भागना है, तो आपको ये काम आता है. 6 बार स्टैक होता है ये, और 6 बार स्टैक होने के बाद ये आपको मूवमेंट स्पीड और एबिलिटी पावर देता है जब आप मारोगे. ये जैनिस पे अच्छा रहता है, आई थिंक जैनिस पे डैमेज देना बेटर रहेगा. तो लेट्स गो फॉर डैमेज वेयर वी कैन डू मल्टीपल अटैक्स फॉर देम. ठीक है, अब हम आपको, मैंने आपको पूरा का पूरा स्किल सेट बना दिखा दिया है जैनिस पे, लोकहाइम से लेके एनिग्मा तक. ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. जैसे चेंज करते टाइटन, ये चेंज करते टाइटन, मैंने तो लेट्स मेक इट फॉर बटरफ्लाई वायलेट. वायलेट इज अ मार्क्समैन एंड इट इज अ रेंज्ड मार्क्समैन, मेली हीरो नहीं है. तो अब इसके लिए इफ यू वांट एडिशनल गोल्ड, तो व्हेन यू आर स्टैकिंग अप, व्हेन यू जनरली, पहले क्या होता था, आप अगर वायलेट को बनाते थे तो वो आपका डेफिनेटली, क्योंकि आपका इज बेसिकली मार्क्समैन और मेज के लिए बना हुआ. ठीक है, ऑल्सो मेज के अंदर भी कुछ आफ्टा प्लेयर्स हैं जो आफ्टा से बॉर्न है. मेज के मार्क्समैन जो आफ्टा के है वो मैं बोल सकूंगा, वो है जिनार हो गया, वो मेज से पैदा हुआ है. ठीक है, वो आफ्टा के साइड से पैदा हुआ है, तो वो उस पे आफ्टा डालोगे तो बहुत सही रहेगा. बट ये एक एक छोटा सा डिफरेंशिएशन फैक्टर है जो आपको नहीं पता, वो मैं आपको बताने वाला हूं. कि अगर आपका, आपने जो आइटम एनिग्मा, सबसे पहला आइटम बनाया है एनिग्मा, आप जब क्रिएटिव एनिग्मा को आप मेन वाले ब्लॉक में डालोगे, ठीक है, तो आपको एक एडिशनल नंबर 3 वाला एक्स्ट्रा आइटम ओपन हो जाएगा. ठीक है, ये एक्स्ट्रा आइटम जो ओपन हुआ है ना, वो बेसिकली है लेवलिंग और रिजर्व वाले लेवलिंग तक जाते हैं. लेवलिंग उस पे यूज हुआ जाता है जिनका कभी कभार गोल्ड नहीं बन पाता. मेन आइटम आपको एनिग्मा दिखा दिया, मेन आइटम. अब चलते हैं थोड़ा सा सपोर्ट वाले पे सिस्टम पे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्डर, सपोर्ट वाला जो सिस्टम होता है वो हमेशा बनाता है एफ्टा. एफ्टा जो बनाता है उसको आप जब सेलेक्ट करते हो, सबसे ऊपर वाला ग्रीन एफ्टा जो एन्चैंटमेंट आइटम होती है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बुशेज में रहते बाहर निकलते हुए थोड़ा सा आपको स्टैक्स मिलते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज, टैंक के ऊपर हमें एफ्टा सेलेक्ट करना है. एफ्टा सेलेक्ट कर लिया, यूज कर दिया हम लोग. अब कमिंग बैक टू रिपल स्टेप, रिपल स्टेप ऐसी चीज है, वाइल इन क्रीक, क्रीक मंजे क्या, रिवर के ऊपर. ठीक है, रिवर के ऊपर जो बुशेज है उसको क्रीक कहते हैं. ठीक है, इन आइटम नंबर 2 यू हैव 2 ऑप्शंस फॉर एफ्टा. वन इज अ हील ऑप्शन. सो व्हाट इज दिस, इट इंप्रूव्स हीलिंग एंड शील्ड इफेक्ट्स. इतना इंप्रूव करता है, गेन्स 10% हीलिंग एंड शील्ड इफेक्ट्स, 10% हील और शील्ड इफेक्ट देता है. इफ टारगेट एचपी इज लेस देन 50%, इंक्रीज इफेक्ट बाय एन एडिशनल 10%. मंजे अगर आप बुश के अंदर खड़े हो या आपने ये आइटम बना लिखा है, ये फास्ट हीलिंग करता है, आपको क्या करेगा, 10% हीलिंग कर देगा. ओके, और अगर आपका एचपी 50% नीचे भी है, तो ये आपको एक्स्ट्रा 10% दे देगा. तो आई थिंक वी विल गो विद दिस. लास्ट बट नॉट लीस्ट,
This is the last three items you can make for Aftha. Okay? On taking damage from enemy titans. ये क्या होता है? ये आप damage लेते रहते हो, लेते रहते हो, लेते रहते हो, तो आपको stack होते रहता है, stack होते रहता है, stack होते रहता है. Up to one stack per second. मतलब एक stack एक second पर बनता है इसका. Enemy ने मारा एक second के लिए आपको एक stack बनेगा. Enemy ने मारा दो second के लिए आपको दो stack बनेगा. उसका normal skill कुछ भी मारा. आपने मार खाई enemy से आपको stack मिला. अगर आपने ये item बना रखा है तो आपको stack मिला. तो आपको तीन सेकंड तक जितने भी स्टैक गेन कर सकते हो आपको स्टैक मिलेंगे. ठीक है, तो तीन स्टैक आपने बना लिए. एट फोर्थ स्टैक वो क्या करेगा, 4 meter का शॉक वेव मारता है. आपने कभी आर्ड्रुएन या ग्रैक या आपने कभी नोटिस किया होगा, एक ग्रीन कलर का ऐसे बम फटता होगा. ठीक है, एक बम फटता है ग्रीन कलर का, ऐसे वो बम फोड़ता है हीरो के आसपास. This is the reason why ये फूटता है and this is the item that is used वो bump फोड़ने के लिए. और वो bump फूटता है तो क्या होता है, let's see. Damage equal to 2% of max XP. Max XP 2% कुछ ज़्यादा damage नहीं है लेकिन हाँ damage है. नाम के लिए damage है, damage है. I think we should increase these damage so it will help in getting people to utilize these enchantments more. Damage equal to 2% max XP while restoring 5 HP तुम्हारा health restore होता है. अगर वो enemy को लगा आपका 2% तो आपके भी खुद के 5% एक्स्ट्रा इंक्रीज होंगे, आपका एचपी इंक्रीज होगा. क्लियर? सो लेट अस गो टू एमएम. यॉन लेते हैं बेस्ट एग्जांपल. यॉन लेते हैं बेस्ट एग्जांपल. हाँ, मैंने एक चीज मिस करना भूल गया. इफ आई एम नॉट मेकिंग, इफ आई एम मेकिंग अ वेदा ऑन दिस फेलो, आई विल से डैमेज बूस्ट, आई विल से पेनिट्रेशन, आई विल से, अच्छा ठीक है, लेट सिंस वी आर हियर लेट मी एक्सप्लेन Veda itself over here. So we have selected Veda, Sentinel of Light. ऐसा वाला आइकॉन आ जाता है, एक हेलो जैसा ऊपर से ऐसे मंडराता है मार्क्समैन के ऊपर. वो है नथिंग बट अ होली स्पिरिट होता है. वो पांच सेकेंड तक जिंदा रहता है ये होली स्पिरिट. और वो सामने वाले एनिमी को 3 बार कंसेक्यूटिव नॉर्मल अटैक से छोटे बुलेट्स फेंकता है 3 बार. ठीक है, टेलेनस को लिया. ओके, टेलेनस का मेजर वेदा है. आई विल रादर डू डैमेज, आई डू माना रीजन बिकॉज सर माना डिप्लीट्स वेरी क्विकली. And then I will do penetration and I will do damage boost. Instead of doing this thing, damage boost works for a little more like Valheim pe jyada kaam karta hai better. Damage boost Wisp pe jyada, Slims pe jyada, aise heroes pe jyada kaam karta hai damage boost. Sacred Spirit un pe jyada kaam karta hai. But Talanus kyunki wo dur se khelti hai, usko Thunderstorm jyada kaam karega. Okay. और टेलरस को अगर आप जंगल आपदा के अंदर खेलोगे तो आपदा के अंदर खेलोगे. तो मैं वैसे भी फटाफट जल्दी से अपना पॉपुलर में जाकर देख भी लेता हूँ. तो ये वाला रिकमेंडेड है, आपदा रिकमेंडेड है, सो आई विल गो फॉर ऑलरेडी आपदा बना हुआ है. आई विल अप्रूव इट एंड वी विल मेक दिस एन्चेंटमेंट पेज एंड आई विल रीनेम दिस एंड से एडिटेड एडिटेड आपदा एंड व्हाट इज इट कॉल्ड आपदा एंड वेदा. Okay. We have done this and now we will play a game. Save page. Okay. I'm sorry. Save नहीं होता तो बड़ा दिमाग खराब हो जाता. तो save page. अगर आप गलती से इसमें हैं, in use में हैं, बाहर निकले और save page कर दिया. You will see that your enchantment looks like this. You see? Now, let's play a game. One game to close the night. हमें इस एंचेंटमेंट के साथ खेलना है तो एक गेम फटाफट खेल लेते हैं. हाय देसी, अरे मेरे शेर, व्हाट्स अप, हाउ यू डूइंग ब्रो? प्लस आई हैव आफ्टर आल्सो इन प्ले विद द एंचेंटमेंट सो आई एम एबल टू लाइक हाइड इन द बुशेस एंड रीच इन. ओह इज हियर. लगता है वो थोड़ा सा एएफके हो गया था. ここに残ったのはある約束を果たす。
You see now I've got back. And you see that number 8 over here? See that number 8 over here? This increases HP by 8 per stack. यार किल दे दो यार कैसे कर रहे हो यार किल दे दो भाई एक और किल चाहिए मेरा मिशन खत्म हो जाएगा एक और किल Yes, thank you. चलो खत्म करेंगे. Attack the enemy, Omen. To Clash of Titans. नहीं सामने आइटम के अपना सपोर्ट आइटम बहुत होता है. To be honest, आप MMO आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है का विज़न. मैं सपोर्ट हूँ. तानु भाई चलो खेलते हैं. एक गेम तो रैंक खेलेंगे खेलेंगे मैं जरा ये स्ट्रीम बंद कर दूं उसके बाद अरे 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 नॉर्मल गेम में खेलेंगे. यार दे टूक मैं रेड यार डैमेज देना भी नहीं है मैंने बस सपोर्ट आइटम बनाना है शील्ड ऑफ लॉस्ट बनानी है भाई उगा देश बनाना है और मस्ती मारनी है ड्रैगन एसलाइट यार वो मजा आता है ना अमृत कोई बात नहीं
An enemy has been defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. यार कम ऑन मैन लड़ना विजन विजन सब दिया स्लो भी क्या क्या कर रहा है ब्रो कम ऑन ओमेगा लड़ना ब्रो क्या कर रहा है विजन विजन दिया स्लो भी क्या इतना सब लड़ाई नहीं, नहीं था वहां पे लैग लैग हो रहा हूं लैग हो रहा हूं लैग हो रहा हूं बहुत चिप रहा हूं कुलिन से लड़ रहा हूं मैं वो मार नहीं पाएगा मेरे को क्योंकि मैंने वो बनाया हुआ है सपोर्ट आइटम भी ले रखा है प्लस मैंने वो भी दिख ले रखा है चीडो लॉस्ट मेरे को बस एक मिनट स्टेबल आने दो क्या है भाई ये लोग आते तभी लैग होता गलत है स्क्वाड आ रहा है मिड में विलेन दिया विलेन आ रहा है उसके लिए चला गया मेरे पास आयोगा देजे ये लोग स्लो होंगे प्लीज फाइट लेना अगर ले सकते हो चलो भाइयो आई थिंक आई कॉल इट अ नाइट आज के लिए बस इतना ही हमने तो एन्चेंटमेंट मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया आपको कभी भी दिक्कत हो यू कैन रीवॉच दिस स्ट्रीम अगेन दिस इज डीजे मॉक्स Thank you so much for being online. Thank you so much for coming down. Take care and good night.